से ही जप रहे हैं, तब भी मन में भाव एक ही होना चाहिए। आप जपाए जपाए सुनो, वो जपा रहे तो हम आप गवाए सो हर गुण गाओ, वो गवा रहे तो हम गा रहे हैं, वो ना चाहे हम जप भी नहीं सकते। धन गुरु नानक, ये भाव हर ना रहना चाहिए, ये भाव ही आगे बढ़ाएगा, ये भाव ही आखिर तक पहुंचाएगा। ये भाव हटा परिस्थिति बदल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे किसी भी स्टेज पे इंसान पहुंचा हो, ये भाव बदला, ये कर्ता भाव आ गया कि मैं कर रहा हूँ, वहीं पर वो अवस्था खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि ये है गुरु प्रसाद। 100% मन मान जाना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पंक्तियां थी ना, हमने शब्द लिया था, कर्म कर तो होवे नह कर्म, ये वो अवस्था चाहिए। कर्म करना है पर भाव ये कि मैं नहीं कर रहा, करता कोई और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव निष्काम भक्ति ही सहज अवस्था तक पहुंचा सकती है। निष्काम भक्ति कामना के साथ जपा हुआ नाम सहज अवस्था की तरफ नहीं लेकर जाएगा, किसी भी हालत में नहीं लेके जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कामना कोई भी क्यों ना हो, कामना परिवार की, धन की, किसी भी तरह की कामना के साथ जपा हुआ नाम, ये फिर दुनिया भी रह गया, सहज अवस्था की तरफ नहीं बढ़ेगा इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज अवस्था की तरफ बढ़ने के लिए एक चोट जरूरी है। जब संसार से चोट लगती है, विश्वास उठता है ना, तब गुरु की तरफ ध्यान जाता है। प्यार से धन गुरु नानक। तब जपा हुआ नाम उस अवस्था को आदमी बना के रखे, भूले ना ठोकर खाई हुई को, उसका लाभ उठाए कि प्रभु बस तू ही है। इस अवस्था में जपा हुआ नाम सहज अवस्था की तरफ ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सहज अवस्था, हम वाणी पढ़ते हैं, पवन गुरु पाणी पिता माता तर्त महंत। पवन गुरु, पवन को गुरु क्यों कहा है? गुरु बिचौला होता है, पर ध्यान से समझना, गुरु बिचौला होता है। बिचौला आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला कौन होता है? गुरु। अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाला कौन होता है? गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मेल मिला दे उसे गुरु कहा, इसलिए पवन को गुरु कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस बात को थोड़ा गंभीरता से और ध्यान से समझ, जब हम ये सिस्टम कैसे चलता है पहले इसे समझ लेते हैं। जो नेचुरल स्टेट है, जो भगवान ने बनाया सिस्टम, वो क्या है? हमने सांस ली, पवन अंदर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सांस ली, पवन अंदर गई, पवन टकराई किससे? नाभि से। इसे नाभि को ना ज्यादातर भारतीय में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें ध्वनि कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धुनी, ध्वनि क्यों कहा गया? पवन जब नाभि से टकराई तो धुन उत्पन्न हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तो हम बोलते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, ये हमें लगता है हम गले से बोलते हैं, धुन उत्पन्न होती है नाभि से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ रख के देखो, पूरी नाभि बोलते हो। बोलिए धन गुरु नानक। पवन गई अंदर, हमने सांस ली, नाभि से टकराई, धुन उत्पन्न हुई, ये हुए ध्वनि, इसे ध्वनि कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी में से धुन उत्पन्न होती है। इस धुन को कहते हैं परा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना इस विचार को, सहज अवस्था की तरफ अगर बढ़ना है तो इन बारीक पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। श्वास अंदर गए, पवन गई अंदर, धुन से टकराई, धुनि उत्पन्न हुई, वो धुनि पहुंची मन के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मन में अक्षरों ने रूप लिया कि बोलना क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धुन तो उत्पन्न हो गई, अब उसको अक्षर देने हैं ना, मैं जो बोल रहा हूँ, धुन उत्पन्न हुई, अब अक्षर क्या देने डिसाइड कौन कर रहा है? मेरा मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की कृपा से सर पे हाथ है, वो मन में जो विचार डाल रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही? धुन उत्पन्न हुई, पहुंची मन पे, इस मन को कहते हैं पसंति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चार स्टेजेस हैं सिमरन की, बहुत ध्यान से समझना। जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है? श्वास अंदर गए, पवन टकराई धुन से, ध्वनि उत्पन्न हुई, पहुंची हृदय के पास, भाव मन, यहाँ पर पहुँच कर ये बन गई पसंति, अक्षर बन गए। अब ये पहुंची मधमा से बोलिए धन गुरु नानक। गले ने इसे आवाज दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहते हैं मधमा, गले में से निकलती आवाज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गला जरिया है,
जो धुन उत्पन्न हुई आवाज़ एक्चुअली में नाभि से निकलती है, गला जरिया है आवाज़ देने का, फिर से बोले धन गुरु नानक, और आखिर में बैखरी जिसे कहते हैं जबान, फिर से बोले धन गुरु नानक। अब जितने भी धर्म ग्रंथ देखेंगे ना, वेद शास्त्र, सब में इन चार अवस्थाओं की बात आई है, फिर से बोले धन गुरु नानक के नेचुरल स्टेट ये है। एक बार फिर से श्रवण कर लीजिए, कन्फ्यूज ना हो जाना, दास कुछ बात बताने वाला है। परा, प्रसंती, मधमा, बैखरी, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हमारी रसना नाम जपती है, कान सुने, ध्यान हो उसमें, तो उसे कहते हैं बैखरी जाप, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कल भी कहा था, इसे कहते हैं बैखरी जाप। इसका फल बहुत है, गाविए सुनिए मन रखिए, दुख पर हर सुख, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सुखी सुख कर ले जाओगे घर का हृदय को, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर सुख वस्या हृदय को घर का।